सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करना है। दोस्तों अगर आप बिगनर है, आपको नहीं पता कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे आपने ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरा प्रोसेस जानने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करने का। बेसिक लेवल पर मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग आप कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने पड़ते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ से मैं जाऊँगा आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लेके, जहाँ पे मैं आपको ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना, तो दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप ग्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसमें अपना अकाउंट बना सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो कोई भी रिकमेंडेड वीडियो नहीं है, ना तो मैं आपको कोई भी ऑप्शन यहाँ पे रिकमेंड करने वाला हूँ, नहीं मैं आपको कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये वीडियो आपके नॉलेज पर्पज के लिए बना रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो वीडियो को देखने के बाद आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं और हमने यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है, जिसके थ्रू हम यहाँ पे जानने वाले हैं जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग है वो किस तरह से की जाती है, ऑप्शन ट्रेडिंग करने का प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपने इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपने इस एप्लीकेशन में अपना डीमैट अकाउंट बनाना होता है। जैसे आप इसमें डीमैट अकाउंट बनाएंगे तो ये इस तरह की आपको दिखने लग जाएगी। यहाँ पे दोस्तों अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं बनाया तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने एप्लीकेशन का, वहाँ पे जाके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और भी कई एप्लीकेशन के लिंक मैंने आपको दिए हुए, जैसे जीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, तो वहाँ पे भी जाके आप अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अब आपने क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों जब आप इसमें डीमैट अकाउंट बना लेते हैं अपना, तो यहाँ पे आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट को एक्टिवेट करना होता है, जिसके थ्रू आप यहाँ पे ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग कर पाते हैं। ये दोस्तों आपने कैसे करना होगा, यहाँ पे जब इस एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आपके सामने आएगा और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे आप देख रहे प्रोडक्ट एंड टूल्स, तो आपको ये ऑप्शन मिलेंगे और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिला है एफएनओ सेगमेंट को आपको एक्टिवेट करना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा इसको एक्टिवेट करने का। हमने इसको यहाँ पे ऑलरेडी एक्टिवेट किया हुआ है, आप यहाँ पे देख रहे, इसलिए हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शन चेन का ऑप्शन आया हुआ है। यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिले हैं, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, इनमें हम यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम यहाँ से पीछे जाते, आपने यहाँ पे कैसे एक्टिवेट करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपने इस लोगो पे क्लिक करना है। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी आपका अकाउंट का पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा सेगमेंट को एक्टिवेट करने के लिए। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कैसे एफएनओ सेगमेंट को एक्टिवेट करना है, यहाँ पे कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, उस वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। मैंने उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके आप देख सकते हैं और यहाँ पे एफएनओ सेगमेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपने क्या करना होता है, जब आपके यहाँ पे एफएनओ सेगमेंट एक्टिवेट हो जाता है, इसके बाद आपके सामने यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे एफएनओ के ऑप्शन पे अगर आप जाते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन चेंज और यहाँ पे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, ये दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आप या तो निफ्टी 50 में ट्रेड कर सकते हैं या फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे इनमें दोनों में से किसी में भी आप ट्रेड कर सकते हैं, ये इंडेक्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। दोस्तों जैसे हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे निफ्टी 50 ऑप्शन में यहाँ पे ट्रेड करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे तो जैसे आप यहाँ पे दोस्तों क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे एक प्राइस को सिलेक्ट करना होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको ऑप्शन मिला हुआ है ऊपर, यहाँ पे आप देख रहे हैं जुलाई 13, जुलाई 20, जुलाई 27, अगस्त 3। तो दोस्तों यहाँ पे ये होते हैं एक्सपायरी डेट। तो यहाँ पे जो भी एफएनओ होता है, जो भी इसके ऑप्शन होते हैं, वो वीकली एक्सपायरी होते हैं। यहाँ पे इसने दिया हुआ है कौन सी डेट में एक्सपायरी होगा, ये 3 जुलाई में एक्सपायरी होगा, इसके बाद यहाँ पे 20 जुलाई में एक्सपायरी होगा, इसके बाद यहाँ पे 27 जुलाई में एक्सपायरी होगा, इसके बाद यहाँ पे 30 अगस्त में एक्सपायरी होगा। तो दोस्तों यहाँ पे इसने ये ऑप्शन दिए हुए, इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कॉल प्राइस का, और यहाँ पे आपको स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे पुट प्राइस का आपको ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों इस एप्लीकेशन में आपको ये सब कुछ इजीली मिल जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीदते हैं तो आप यहाँ पे कॉल प्राइस के ऑप्शन पे जाएंगे, अगर यहाँ पे पुट ऑप्शन आप खरीदते हैं तो पुट प्राइस के ऑप्शन पे जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक सीई और एक पीई। सीई का मतलब होता है कॉल और पीई का मतलब होता है पुट। दोस्तों अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो आपने कॉल ऑप्शन अगर खरीदना है तो आप सीई खरीदेंगे, अगर मार्केट नीचे जा रही है तो आप यहाँ पे पुट ऑप्शन खरीदेंगे। तो इस तरह के यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मिला हुआ है
कॉल प्राइस प्राइस और यहाँ पे पुट प्राइस। तो दोस्तों यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे ये वाला जो होता है हमारा, ये होता है स्ट्राइक प्राइस, जो भी यहाँ पे प्रेजेंट में चल रहा है, जो भी यहाँ पे लाइव चल रहा है। और जो हमारा ये ऊपर वाला प्राइस होता है, ये होता है इन द मनी, और ये होता है हमारा आउट ऑफ द मनी। इसको दोस्तों हम यहाँ पे बोलेंगे आउट ऑफ द मनी, ओटीएम। ओटीएम आपने यहाँ पे देखा है, समझ जाएंगे। और यहाँ पे इसको स्ट्राइक प्राइस को हम एटीएम भी बोलते हैं, जो एट द मनी जो अभी यहाँ पे प्राइस चल रहा है, एटीएम यहाँ पे इसको बोलेंगे। और ये होता है हमारा इन द मनी, ईटीएम। दोस्तों ये हमारा प्राइस होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये तीन प्राइस होते हैं, इनमें से आपको स्ट्राइक प्राइस के बीच में खरीदना होता है। जैसे आप यहाँ पे या तो इन द मनी खरीद सकते हैं या फिर आउट ऑफ द मनी यहाँ पे ऑप्शन खरीद सकते हैं। ये दोस्तों आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे अगर कोई भी ट्रेड लेते हैं, आपने यहाँ पे देखना होता है कि आपने यहाँ पे कॉल ऑप्शन को बाई करना है, मार्केट का परफॉर्मेंस कैसे है, मार्केट कहाँ पे जा रहा है, मार्केट कहाँ पे ट्रेड करना है, तो आपने ये चीजें देखनी होती है। तो यहाँ पे अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो आपने पुट प्राइस को खरीदना होता है, मार्केट अगर नीचे जाएगा तो आप यहाँ पे पुट प्राइस को खरीद सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन मिला हुआ है एट द मनी, जो हमारा यहाँ पे करंट में प्राइस चल रहा है, जो भी यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी है हमारा, इसको जो भी करंट में प्राइस चल रहा है उसको हम यहाँ पे बोलेंगे एट द मनी, जो भी प्रेजेंट टाइम में अभी प्राइस चल रहा है, इसको स्ट्राइक प्राइस भी बोलेंगे। हमारा जो भी यहाँ पे प्राइस चल रहा है 19,331 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आउट ऑफ द मनी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी हमारा इस प्राइस से ऊपर रहेगा प्राइस, वो होगा हमारा आउट ऑफ द मनी। और इन द मनी रहेगा जो भी इस प्राइस से हमारा नीचे रहेगा, मतलब इसके अंदर अंदर रहेगा, वो होगा हमारा इन द मनी। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा बिगनर है तो आप यहाँ पे इन द मनी में ट्रेड ले सकते हैं, या फिर अगर मार्केट ज्यादा बूस्ट कर रहा है, आपको लग रहा है कि मार्केट ज्यादा बूस्ट कर रहा है, तो आप आउट ऑफ द मनी में यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पे ऑप्शन कोई भी बाई करते हैं या सेल करते हैं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमें यहाँ पे आउट ऑफ द मनी में कोई ट्रेड लेना है, यहाँ पे हम चाहते हैं कि आउट ऑफ द मनी में कोई ट्रेड ले, हम यहाँ पे जो हमारा ये स्ट्राइक प्राइस है, इससे बाहर का प्राइस है जो, उसमें हम यहाँ पे ट्रेड लेना चाहते हैं, जैसे इस प्राइस पे हम ट्रेड लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें केसेस में ट्रेड लेना है, यहाँ पे ये ऑप्शन सारे हमारे पास है अवेलेबल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हमें यहाँ पे खरीदना है ऑप्शन 19,400 का, हमें लग रहा है कि अभी मार्केट ऊपर जाएगी, तो हम यहाँ पे आउट ऑफ द मनी जो भी प्राइस है इसका, यहाँ पे इसको लेंगे। हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, तो हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। अगर हमें यहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीदना है, जैसे मार्केट ऊपर जा रही है, तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, सेल का और बाय का। हम यहाँ पे बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे बाय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। दोस्तों हमें यहाँ पे जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग है, जो भी हम यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं लोट का। हम यहाँ पे एक आप यहाँ पे देख रहे हैं एक लोट होता है 50 का। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आपको यहाँ पे स्टॉक के हिसाब से नहीं मिलेगा, जैसे आप एक स्टॉक या दो स्टॉक खरीदे, यहाँ पे दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही आपको यहाँ पे लोट का हिसाब मिलता है। जैसे आपको यहाँ पे 50 लोट मिलेंगे निफ्टी 50 में, यहाँ पे आपको 50 लोट मिलेंगे, और बैंक निफ्टी में आपको 25 लोट मिलेंगे, ठीक है। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं उसमें थोड़ा कम रहता है, इसमें थोड़ा ज्यादा लोट मिलते हैं आपको। तो आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे आप अगर यहाँ पे एक एक खरीदना चाहते हैं या फिर दो ऑप्शन खरीदना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे 50 ही खरीदने होते हैं। और अगर आप इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे दो लोट खरीदेंगे तो 100 हो जाएगा, तीन लोट खरीदेंगे तो ये 150 हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे एक ही लोट खरीदते हैं, तो हम इसको यहाँ पे 50 लोट खरीदेंगे, मतलब यहाँ पे एक लोट, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक लोट का मतलब 50 क्वांटिटी होती है। और जो भी यहाँ पे इसका एक लोट का प्राइस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 75.5 रुपये इसका प्राइस है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो निफ्टी 50 में हम यहाँ पे खरीदने वाले हैं इसको, यहाँ पे आप देख रहे हैं 13 जुलाई 19,400 का जो कॉल ऑप्शन हम यहाँ पे खरीदने वाले हैं, ये 13 जुलाई को एक्सपायर होगा। 13 जुलाई तक आप इसको रख सकते हैं अपने पास, 13 जुलाई को आप इसको सेल कर देंगे। अगर आप इसको सेल नहीं करेंगे ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको दो ऑप्शन और मिले हुए हैं नीचे, अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिले हुए, डिलीवरी और यहाँ पे इंटरडे। अगर आप इसको 13 जुलाई तक रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसकी एक्सपायरी डेट है, इसको मैं 13 जुलाई को ही सेल करूंगा, मुझे अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है मार्केट का, मुझे अच्छा मतलब रिटर्न मिल रहा है, तो आप डिलीवरी में खरीदेंगे। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको आज ही खरीदूं और आज ही इस ऑप्शन को बेच दूं, तो आप इंटरडे में यहाँ पे करेंगे। इंटरडे का मतलब होता है कि आपको दिन के अंदर अंदर आप इसको बेचना होता है, सेल करना होता है, और चाहे तो आप डिलीवरी में भी आप कभी भी इसको बेच सकते हैं।
13 जुलाई से पहले पहले आप इसको कभी भी बेच सकते हैं, जैसे इसने यहाँ पे एक्सपायरी डेट दिया हुआ है, तो इससे पहले पहले आप कभी बेच सकते हैं। जैसे आपने अभी लिया कोई भी ऑप्शन, उसको आप अभी सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद अब आपने यहाँ पे क्या करना है, क्वांटिटी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी, लिमिट आपने यहाँ पे डाल दी है, अगर आप यहाँ पे लिमिट भी सेट करना चाहते हो कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे बाय के ऑप्शन पे क्लिक करना है, आप यहाँ पे इसके बाद इसको बाय कर पाएंगे, ये ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा और जो भी आपका यहाँ पे ट्रेड है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपको कितना इसमें प्रॉफिट हो रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हैं पोजीशन के ऑप्शन पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि आपने जो भी ऑप्शन यहाँ पे बाय किया है सेल किया उसमें आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना आपको लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों तो यहाँ पे ये वाला कुछ प्रोसेस होता है अगर आप यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे थोड़ी सी नॉलेज लेनी होगी, तो आपको समझना होगा कि किस तरह से यहाँ पे मुझे ट्रेड लेना है, कौन सा ऑप्शन मुझे बाय करना है, कैसे मुझे इसको बाय करना है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो ये थोड़ा सा आपको समझ के तो इसमें आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं। बाकी आपने स्टार्टिंग में पहले इसको एक्टिवेट कर लेना है, जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट है इसको एक्टिवेट कर लेना है, उसके बाद आप यहाँ पे इस प्रोसेस से इजीली ऑप्शन में ट्रेड कर पाएंगे। दोस्तों ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है ग्रो एप्लीकेशन में। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रही होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हैं तो यार सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारे आने वाले और भी वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपके क्वेश्चन का जरूर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने मिलते हैं, छोड़ूंगा तब तक के लिए जय हिंद। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रही होगी, वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर नया तो यार सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारे आने वाले और भी वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतने मिलते हैं, छोड़ूंगा तब तक के लिए जय हिंद।